नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि मैं आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं CTET के, वो मैं 10-10 क्वेश्चन करके सॉल्व करा रही हूँ। CDP का अभी CDP का करा रही हूँ, फिर इस तरह से एक एक लैंग्वेज का, देन पर्यावरण का, इस तरह से कम्प्लीट होगा। टाइम भी इस बार पर्याप्त है, तो मैं 10-10 क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये कोई मॉक टेस्ट नहीं है। मॉक टेस्ट मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कराती ही हूँ, यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़्यादा मैं कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती जाए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कि आपने नहीं देखे हैं वीडियोस, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके CTET 2019 की। 11th क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद जो होता है, अब यह ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, पुरुष शिक्षार्थियों की वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, या महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो इसके लिए क्या सही है वो आपको बताना है, जेंडर विभेद, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों के राष्ट्रोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो लिंग विभेद होता है, ये इसका शिकार कोई भी हो सकता है, लड़कियाँ भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि क्लास में की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो जेंडर बेस पे डिसाइड की जाती हैं कि लड़कियाँ हैं तो ये करेंगी, लड़के हैं तो ये करेंगे। तो अगर इस तरह का माहौल स्कूल में बनता है तो इससे क्या है कि जो भी शिक्षार्थी होता है वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट होता है, और उसकी जो क्षमता है, जो वो कर सकता है लेकिन उसको चांस नहीं दिया जा सकता, तो कहीं ना कहीं वो उसमें पीछे रह जाता है। तो इसीलिए कि क्लासरूम में किसी भी अध्यापक को ऐसे किसी भी संबोधन या कार्य से बचना चाहिए। चलिए आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है, सीखने की शैली, तो चाक्षुष, संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी, आप देख लीजिए यहाँ पे, विजुअल, एक्चुअल, फैक्चुअल, टेक्चुअल, लर्निंग स्टाइल, इनमें से कौन सी है। तो मैं आपको यहाँ पे पहले थोड़ा सा बता दूँ कि लर्निंग स्टाइल एग्जैक्टली होती क्या है। देखिए, कोई भी अपने इंसान अपनी आदत, अपने स्वभाव, अपनी प्रकृति के अनुसार जब कोई भी लर्निंग एनवायरनमेंट में, ठीक है, सीखने के वातावरण में, परिस्थिति में सीखने की कोशिश करता है, अनुभव करके सीखता है, करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर क्या है कि वो जल्दी वो चीज़ों को सीखने में सफल होता है, चीज़ों को जल्दी सीख लेता है। तो ऐसे में जो वो सीखने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, किस तरह से उसकी जो आदतें हैं, जिन आदतों के कारण, जिन स्वभाव के कारण वो अनुभव प्राप्त कर रहा है, वही आपकी सीखने की शैली में आ जाएंगे यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, चाक्षुष, मतलब देखकर। इंसान क्या है कि जो देखता है वो चीज़ें स्वाभाविक रूप से वो उसका अनुभव प्राप्त करके सीख लेता है ना, जो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, ठीक है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, वह ब्लैंक कर रहा है। अब आपको बताना है कि अगर शिक्षक है वो इतना सारा काम कर रहा है ना, पहले अपना वर्क जो है वो कलेक्ट किया, उसको फिर पढ़ता है खुद से, ठीक है, फिर उसकी योजना बनाता है, और फिर कैसे शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करेगा, कैसे पढ़ाएगा, वो सब करता है। तो वो सीखने का आकलन कर रहा है, सीखने के रूप में आकलन कर रहा है, सीखने के लिए आकलन कर रहा है, या सीखने के समय आकलन कर रहा है, देख लीजिए सारे ऑप्शंस। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वो सीखने के लिए आकलन कर रहा है, ठीक है, ये सारे जो वो काम कर रहा है इसका अर्थ ये होता है कि सीखने के लिए आकलन का जो उद्देश्य होता है, मूल उद्देश्य होता है, वो ये होता है कि हर बच्चे को यह ज्ञात करवाया जाए, पता करवाया जाए कि वह क्या कर रहा है ना, यह समझाना कि मतलब कि उसे सुधार के लिए क्या करने की आवश्यकता है और वो कहाँ से कैसे वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, कैसे कर पाएगा, ये सारी जो प्लानिंग करते हैं वो चीज़ है। तो बच्चे को बल प्रदान किया जाता है इसके अंतर्गत, है ना, उसे सक्रिय बनाया जाता है, बनने के लिए प्रेरित किया जाता है, और ताकि वो अपने अधिगम में सुधार कर पाए, तो यानी कि सीखने के लिए आकलन किया जा रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश में ज़्यादा रीड इसलिए नहीं करती क्योंकि अभी जो मेरे व्यूवर्स हैं वो ज़्यादा हिंदी में प्रेफर कर रहे हैं, तो लेकिन मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ ताकि आप जो इंग्लिश वाले हैं वो पढ़ते जाएंगे इंग्लिश से भी।
तो वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। अब ऑप्शंस देखिए फटाफट से। उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। शिक्षार्थियों के मूल और अभिवृत्ति का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं उन शिक्षकों की बात हो रही है, तो देख लीजिए स्कूल बेस्ड असेसमेंट। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, यानी व्यवस्था को प्रॉपर बनाए रखें, ठीक है। ऐसे वो अपने अपना भी इसमें अधिकार समझते हैं, ऑनरशिप समझते हैं कि हाँ मुझे ये कार्य करना है और जिम्मेदारी के साथ कार्य भी करते हैं। आ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। ये एक प्रश्न है ना, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, तो ये अपसारी प्रश्न है, विश्लेषणात्मक है, मुक्त अंत है या समस्या समाधान है, तो देख लीजिए फटाफट से। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका है विश्लेषणात्मक प्रश्न, ठीक है। तो ग्रेडिंग जो प्रणाली है वो विश्लेषणात्मक होती है और ये जैसे वर्षों से चली आ रही जो परीक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार करते हुए इस समय भी ये बल दिया जा रहा है कि हर जगह ग्रेडिंग सिस्टम को लागू करने किया जा रहा है। तो ग्रेडिंग प्रणाली में होता क्या है कि शिक्षार्थी जो होता है, बालक जो होता है, उसके सीधे सीधे अंक या श्रेणी में नहीं विभाजित किया जाता, उसको डायरेक्ट कोई मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, बल्कि क्या किया जाता है, जो UGC और जो भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उन्होंने आपस में ये मीटिंग करके सर्वसम्मति से उन्होंने 7 बिंदु ग्रेड अपनाने में की सहमति जताई है। तो कितने बिंदु ग्रेड अपनाया जा रहा है, 7 पॉइंट ग्रेड, ठीक है। तो अब ये ग्रेड क्या क्या है ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। ये ग्रेड है आपके ओ ए, एक आपका है बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और एफ, इतने ग्रेड्स अपनाने में UGC ने जो सहमति जताई है। तो अब यहाँ पे ग्रेडिंग प्रणाली में क्या होता है, परीक्षक छात्र के प्रश्नवार उत्तरों को सीधे सीधे ग्रेड नहीं देकर मूल्यांकन कर सकते हैं, है ना, और उसकी पूरी उत्तर पुस्तिका के लिए एक औसत ग्रेड भी ज्ञात कर सकते हैं, एक एवरेज में कुछ उसको मार्क्स दे सकते हैं। ये सिस्टम है आपका ग्रेडिंग सिस्टम। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चलिएगा, देखिए आपके लाइक से ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, लाइक एंड कमेंट से, और कुछ अच्छा करने की और बेहतर करने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो देख लीजिए छात्राएं, क्वेश्चन है सिर्फ छात्राएं, अब देखना है वहाँ पे। गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं, या फिर भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। तो छात्राओं के लिए इनमें से कौन सा जो है लाइन वो सही है ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 2, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में वो भी अच्छी होती हैं। ऐसा नहीं कि वो लड़कियाँ हैं तो मैथ्स में वो कम अच्छी हैं या ज़्यादा अच्छी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी अपनी उम्र के लड़कों की तरह ही अच्छी होती हैं। आगे देखते हैं हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना, इधर देखते चलिएगा, और अक्सर चाक्षुष स्मृति का हाश ब्लैंक से संबंधित है। अब चाक्षुष स्मृति क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया है ना, विजुअल मेमोरी। ऑप्शंस है डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसप्रैक्सिया। तो डिसप्रैक्सिया, तो यहाँ पे देख लीजिए अक्षरों शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डिसलेक्सिया, जो कि CTET ने माना है डिसलेक्सिया, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है, किसका प्रचार करने के लिए वाक्य यूज किया जा सकता है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, संशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा या पृथक शिक्षा।
तो राइट आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा समावेशी शिक्षा, यानी कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल से। देखिए एक्चुअली क्या था कि 1990 में थाईलैंड में, ठीक है, थाईलैंड का जो जोमेटिन नामक स्थान है वहाँ पे जो है ये सभी के लिए शिक्षा पर एक विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था शिक्षा को क्या करना, सर्वव्यापी बनाना और निरक्षरता हटाने के उपाय पर विचार करना, ये सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। इसी तरह से क्या है 1994 में जो है स्पेन में, ठीक है, स्पेन के एक सलामांका नामक जो शहर था वहाँ पे भी इस तरह का हुआ था सम्मेलन, विशेष आवश्यकता शिक्षण पर विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसमें क्या था, यूनेस्को और स्पेन की सरकार ने मिलकर ये आयोजन किया था और इसी सम्मेलन में समावेशी शिक्षा पर जो है चर्चा हुई थी। और अब जो है समावेशी शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट बन गया है हमारी एजुकेशन सिस्टम का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ी इसकी हिस्ट्री थी तो मैंने बता दिया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समावेशी शिक्षा के लिए एक अलग सी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन ब्लैंक के साथ संबंधित तत्व है। तो देख लीजिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो किससे संबंधित तत्व हैं, प्रतिभा से, गुण से, अपसारी चिंतन से या त्वरण से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये सब प्रतिभा के साथ संबंधित तत्व हैं, ठीक है, प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता, ये किसी की प्रतिभा से संबंधित तत्व हैं, ठीक है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स को। तो ऑप्शन सारे आप देख लीजिए, स्मरण, समझ, सर्जन, विश्लेषण। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, देखिए इसका राइट आंसर एक्चुअली होगा सर्जन से संबंधित, ठीक है, इसमें कि अधिक समय देने के लिए उनको कहा जा सकता है ताकि, क्योंकि वो उनकी बौद्धिक क्षमता जो है वो उसका विस्तार कर सकें, क्योंकि उनके पास उनकी बौद्धिक क्षमता होती है हाई, ठीक है। तो कुछ भी अगर क्रिएटिविटी करने के लिए दिया जाएगा, क्रिएटिंग करने के लिए उनको दिया जाएगा, तो उसमें अगर उनको अधिक एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए तो वो अपनी बौद्धिक क्षमता का विस्तार कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर करने की कोशिश कर सकेंगे। तो आज की ये 10 क्वेश्चंस थे और इसके आगे के जो 10 क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट पार्ट में रहेंगे। इसके पहले की भी जितने पार्ट्स हैं अगर आपने नहीं देखा है तो सीटेट 2019 के प्लेलिस्ट पे जाके आप जरूर चेक कर लीजिए। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं एकदम लास्ट में बोल रही हूँ, देखिए अब तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।